प्रसाद का ये हलवा हम सब ने कभी न कभी ज़रूर खाया होगा, बट ये हलवा परफेक्ट किस तरह से बनाएं एक्यूरेट मेज़रमेंट के साथ आइए जानते हैं। इसके लिए आप कोई भी कटोरी कप कुछ भी मेज़रमेंट के लिए ले सकते हैं। मैंने ये स्मॉल साइज़ की कटोरियाँ ली है, बाउल्स लिए हैं। इसके लिए मैंने सेम मेज़रमेंट लिया है, लाइक इसके अंदर घी और गेहूं का आटा और शुगर, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में ही ऐड होती है। अब मैंने एक पैन गरम किया है, इसके अंदर मैं ये घी ऐड कर दूंगी और जब ये घी बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर जो गेहूं का आटा है वो ऐड कर देंगे। मैंने रेगुलर गेहूं का आटा लिया है जिनकी मैं हम घर में चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो थोड़ा मोटा आटा भी ले सकते हैं, इसके अंदर कुछ लोग वो भी पसंद करते हैं। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे, इसको मिक्स कर इसको हमें कंटिन्यू चलाना, कंटिन्यू इसको स्टर करना है, अदरवाइज ये जल सकता है। हलवे के अंदर मेज़रमेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है, अगर वो अगर आपको पता है तो आप इजीली बहुत अच्छा हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेज़रमेंट का आइडिया नहीं है तब हलवा हो सकता है आपका सही नहीं बने, या तो बहुत हार्ड हो जाए या बहुत रनी हो जाए, शुगर कम ज़्यादा उसमें हो सकती है। ये हलवा प्रसाद में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और इस हलवे को हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है। इस पे मतलब मीडियम टू हाई हीट पे हमें इसको कुक करना है और कंटिन्यू स्टर करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। हलवा सिक जाएगा तब हमें इसकी खुशबू आने लगेगी। अब ये मैंने एक इलायची ली है जिसको मैंने रफली क्रश किया हुआ है, ये फाइन पाउडर नहीं है, आप चाहे तो इसमें फ़ाइन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट पिंच इसका ऐड किया है क्योंकि मेरे हलवे की क्वांटिटी बहुत थोड़ी बनाई है इसलिए। अब मैंने इसके अंदर पानी डालूंगी, पानी एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर लेना है और जितना हमने आटा लिया था उसका जस्ट डबल इसमें पानी जाएगा। ऑलवेज़ रिमेंबर, जितना आटा लिया था उसका जस्ट डबल पानी, और जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे हमें इंस्टेंटली इसमें शुगर ऐड करनी है, उसके बाद ही दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है, पानी और चीनी दोनों को एक साथ मिक्स करके चलाना है। अगर हम इसको क्विकली नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएगी। और इसके बाद ये देखिए, जैसे ये अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएगी तब ये अपना बेस छोड़ने लगेगा। ये देखिए, इसको अगर आप इस तरीके से मूव भी करेंगे इस पैन को तो ये कैसे गिर रहा है, क्योंकि इसमें जितना भी घी था वो सब सेपरेट हो गया है। जब ये इस तरीके से चम्मच से मूव करने लगे तब इससे तब हमें पता चल जाएगा कि ये अब बन चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मेज़रमेंट आप याद रखिएगा, घी, चीनी, आटा, ये आपको तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है और पानी आपको बॉइलिंग हॉट लेना है और जस्ट डबल क्वांटिटी में लेना है। अब आप देखिए ये हलवा कितना सुंदर, कितना यम्मी बनकर रेडी हुआ है। इस पे मैंने एक तुलसी महारानी की रख दी है क्योंकि हम इसे भोग प्रसाद के लिए बना रहे हैं, हम इसका भोग ठाकुर जी को लगाएंगे, इसलिए बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये आप सबको भी पता है। अब हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे और भोग अर्पण करते समय अगर आपको भोजन का कोई मंत्र याद अगर आता है तो आप वो भी बोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली ये बोलिए नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद आप आचमन कराएंगे तब कहेंगे आचमनम समर्पयामि। हमेशा हमें भोग लगाने के बाद भगवान को आचमन अवश्य करवाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये हलवा एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि